press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों सुपर 30 मूवी के 29 दिन रिलीज़ के बीत चुके हैं और 29 दिनों के भीतर ये कितना कलेक्शन किया है और कितना कलेक्शन कर सकती है वहीं हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर आर के और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज़। जी हां, बता दें कि इस फिल्म को विकास बहल ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस फैंटम फिल्म्स ने किया था। नादियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट कंपनी ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और रिलायंस एंटरटेनमेंट और एचआरएक्स फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को बनाया गया था। अगर बात कर ली जाए तो इस फिल्म में लीड रोल में ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर, वीरेंद्र सक्सेना और पंकज त्रिपाठी थे जो कि इस फिल्म के अंदर इंपॉर्टेंट रोल्स में थे। अगर बात कर ली जाए तो इस फिल्म ने 29 दिनों के भीतर अगर इंडिया की नेट कलेक्शन की बात कर ली जाए तो दोस्तों आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं तकरीबन 141.74 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था 29 दिनों के भीतर। अगर बात कर ली जाए इंडिया के ग्रॉस कलेक्शन की, तकरीबन 163 करोड़ का कलेक्शन किया है, यानी कि 163.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। और अगर बात कर ली जाए इंडिया के ओवरसीज कलेक्शन यानी कि इंडिया से बाहरी मुल्कों की कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों तकरीबन 37 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो दोस्तों इस तरह से इंडिया के ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज कलेक्शन को मिलाकर टोटली इस फिल्म ने 200 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया। जी हाँ, 29 दिनों के अंदर तकरीबन पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे विश्व भर में 200 करोड़ और 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 115 करोड़ के आसपास था और इस फिल्म ने 200 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया। तो दोस्तों इस तरह से ये फिल्म जो है सो ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए तो ये फिल्म की जो स्टोरी थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो पटना के एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हैं जिनका नाम है आनंद कुमार, उन्हीं के जीवनी पर आधारित ये फिल्म थी। और इस फिल्म को इस तरह से बेसेट दिया गया था जिस जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, एक तरह से ऑटोबायोग्राफी थी उनकी। वैसे दोस्तों ये जो फिल्म है वो रियल लाइफ बेसेड है जो कि आपने भी देख लिया होगा। अगर आपने देख लिया है तो आपका क्या रिव्यूज़ है इस फिल्म को लेकर और आपको क्या लगता है इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कहाँ तक जा सकता है, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो मैं आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आपने विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।